अस्सलाम वालेकुम। तो बॉयज़ कैसे हैं, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज जो कि मैं आप लोगों के लिए 125 लेके आया हूँ, 2024 मॉडल 125 है। इसके अंदर जो कि थोड़ी सी चेंजिंग की गई है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसके अंदर जो कि इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर चेंजिंग की गई है, इसके जो कि बैक लाइट्स वगैरह उसके अंदर तो ज़्यादा मोस्टली चेंजिंग नहीं की गई। उसके अलावा इसके जो कि शॉक्स वगैरह हो गए, इसके मोनोग्राम वगैरह हो गए, उनके अंदर चेंजिंग की गई है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा कि इस बाइक के अंदर क्या चेंजिंग की गई है, क्या इसकी जो के प्राइस है न्यू वो आपको बताऊंगा। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिएगा। अच्छा, तो ये जनाब ये आप जो 125 जो कि 2024 मॉडल का नया मॉडल है हमारे पास, इसके अंदर जो कि दो वेरियंट है, एक ब्लैक के अंदर है जो आपको वहाँ पर नज़र आ रहा है, उसके अलावा एक जो कि रेड के अंदर वो आपको यहाँ पर वेरियंट नज़र आ रहा है। इसके जो कि न्यू मॉडल की पट्टी आप देख सकते हैं, इसके अंदर ये थोड़ी सी जो कि चेंजिंग की गई है। इसकी अगर साइड प्रोफाइल से देखें तो साइड प्रोफाइल के अंदर आपको जो कि दो तीन चीज़ें इसके अंदर चेंजिंग नजर आएंगी। अगर इसकी मैं फ्रंट से स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो कि इसके फ्रंट जो कि शॉक्स हैं, इसके ऊपर आपको जो कि रिफ्लेक्टर का जो कि ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा अगर इसके आप फ्रंट के ऊपर देखें तो फ्रंट के ऊपर आप देख सकते हैं होंडा का आपको एक मोनोग्राम मिल जाता है। ये वैसे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ये क्रोम का मिल जाता है। ये देख सकते हैं जो कि इसके व्हील के साइज़ हैं, ये पुराने जो कि ओल्ड मॉडल है वैसे ही है बिल्कुल। उसके अलावा अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखें इसके जो कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है मीटर, इसके अंदर थोड़ी सी जो कि कंपनी ने चेंजिंग की है, ये देख सकते हैं। इसके जो कि डायल हैं ये चेंज कर दिए गए हैं कंपनी ने, ये चेंज हो गए हैं। उसके अलावा अगर इसकी असम्बली देखें ये भी बिल्कुल वैसे जिस तरह पहले वाला मॉडल है वही वाली है। उसके अलावा अगर इसकी साइड प्रोफाइल में अगर आप देखें तो इसका जो कि मैट ब्लैक के अंदर जो एग्जॉस्ट आता है वही है, और साथ एक क्रोम की स्ट्रिप जो कि दी गई है। उसके अलावा एक और चीज़ इसके अंदर जो चेंज की गई है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखें इसकी जो कि इसकी सीट है, सीट इसकी चेक कर सकते हैं। इसका जो कि डिज़ाइन जो कि बिल्कुल न्यू आया है, जो कि पहले इसकी जो कि सीट का डिज़ाइन था वो जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, मगर जो अब 2024 वाला मॉडल है इसके अंदर इन्होंने थोड़ी सी चेंजिंग कर दी, यहाँ पे सीजी लिख के और यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी सी इसकी चेंजिंग बढ़ा दी है। उसके अलावा अगर इसकी बैक प्रोफाइल पर हैं तो बैक प्रोफाइल के अंदर भी आप देख सकते हैं कोई खासी चेंजिंग नहीं की गई। इसके अगर जो व्हील वगैरह और बैक लाइट्स वगैरह वो सेम आपको मतलब 2023 वाले मॉडल वाली ही मिलती है। उसके अलावा जो इसके अंदर मेन चेंजिंग की गई है, इसके अंदर जो कि इसकी सीट हो गई, इसके जो कि स्टिकर हो गया, उसके अलावा इसके जो कि ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो गया, और इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे आपको इसके इंडिकेटर के जो कि रिफ्लेक्टर हो गए ये चेंज किए हुए मिल जाते हैं, और ये जो कि इसके जो कि फ्रंट का मोनोग्राम है यहाँ पर आपको थोड़ी सी जो कि चेंजिंग की हुई मिल जाती है, ये देख सकते हैं। इसके अलावा जो कि ये जो एडिशन है ये रेड एडिशन में, इसके अलावा जो ब्लैक एडिशन है, ब्लैक एडिशन आपको यहाँ पर ये वाला मिल जाता है। ब्लैक एडिशन के अंदर भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसकी लुक है, ये देख सकते हैं। अगर इसका कंपेयर करें तो मेरे ख्याल में जो कि ज़्यादा ब्लैक एडिशन की जो कि ज़्यादा खूबसूरती होती है हमेशा से होंडा के अंदर। यहाँ पे भी देख सकते हैं आपको, यहाँ शायद क्लियर नज़र आ रहा होगा, ये इसके रिफ्लेक्टर वगैरह और उसकी जो कि सीट्स कवर वगैरह देख सकते हैं, ये जो कि ब्लैक एडिशन है। और बाकी जो कि इसकी प्राइस है 235,000 इस 125 की प्राइस है, देख सकते हैं इसके अंदर जो कि चेंजिंग की गई है ये सारी मैंने आपको इसके अंदर दिखा चुकी है।